ईद आने वाली है और ये ठंडे ठंडे डिजर्ट की रेसिपी ईद की खुशियों को और एंजॉय करने के लिए बेस्ट है और बच्चों और बड़ों दोनों की ये फेवरेट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एरम क्लासिक किचन। भाई आज मैं आपके साथ फलूदे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और आसानी से बन जाती है। तो चलें चलते हैं और इस मज़ेदार सी रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम 2 कप दूध लेंगे और फिर साथ ही में हम चूल्हा ऑन कर देंगे और इसको बॉईल करेंगे और बाद में इसे गाढ़ा करेंगे। दूध में बॉयल आ चुका है तो इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून बादाम काजू पिस्ता पाउडर डालूंगी और इसे मिक्स करेंगे। जब दूध तकरीबन आधी क्वांटिटी में रह जाएगा तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। आप कंडेंस्ड मिल्क की जगह शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस्ड मिल्क इसको बहुत ज़्यादा जल्दी एक क्रीमी सा मज़ेदार सा टेक्स्चर भी देगा और फ्लेवर भी। तो चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ ही में हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर का डाल देंगे। इलायची पाउडर भी फलूदे के दूध को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म का फ्लेवर देने वाला है। ओके जी, ये तो रेडी हो गया है, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर मैं सेवियाँ बनाने वाली हूँ जिसके लिए मैंने एक ठंडे पैन के अंदर 1.5 कप पानी के डाले हैं और साथ ही में 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे। और अब इसके अंदर 1/2 कप कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्न स्टार्च जिसको अरारोट पाउडर भी कहते हैं ये ऐड करेंगे और साथ ही में इसको हम मिक्स कर लेंगे। अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया था, लेकिन इसे मिक्स करने के बाद अब मैं चूल्हे को ऑन कर लूँगी। चूल्हा ऑन करने के बाद आपने इसको मीडियम हीट पर रखना है, लेकिन आपने चम्मच या विस्क चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये बैटर बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है, इसीलिए आपको केयरफुल रहना है और आपने सिर्फ इसी पे फोकस करना है, कहीं और नहीं जाना, कोई और काम नहीं करना है, सिर्फ इस पे ही नज़रें रखनी है। ये देखिए नीचे से लम्स बनना शुरू हो गए हैं, मैं इनको डिसॉल्व करती जाऊंगी और अब इस स्टेज पर कि बहुत ज़्यादा जल्दी से भाग के रेडी हो जाएगा, तो आपने केयरफुल रहना है। ये देखिए कितनी जल्दी से थिक होना शुरू हो गया है, बिल्कुल ग्लू की तरह का। हमें ये ट्रांसलूसेंट चाहिए जैसे कि ये अभी हो चुका है, लेकिन अगर आपका ऐसा कलर नहीं आता है तो एक छोटी सी टिप है कि आप 2 घूंट पानी के और ऐड करके इसको आहिस्ता आहिस्ता से कुक करते रहें। और यूँ हमारी सेवियों का बैटर तैयार हो गया है जिसे हमें गरम गरम ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास लिया है जिसके ऊपर पाइपिंग बैग को इस तरह से लगा दूँगी। आप पाइपिंग बैग की जगह जिपलॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ऑयल से ब्रशिंग कर दूंगी ताकि सेवियों का बैटर इजीली बाहर आ सके। ओके जी, मूविंग ऑन टू द डेंजरस पार्ट। अब हम इस गरम गरम सेवियों के बैटर को इस ग्लास के अंदर डालेंगे जिसके अंदर हमने पाइपिंग बैग लगा रखा है। और अब हम इस बैटर को डालते जाएंगे। अभी मैंने 1/2 बैटर अंदर डाला है और इस तरह इसको अब मैं नॉट लगा दूँगी। नॉट लगाने के बाद अब हम सीजर की मदद से इसे छोटा सा आगे से होल कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने आइस चिल्ड वाटर लिया है जिसके अंदर मैं सर्कल्स करते हुए इस सेमियों के बैटर को हल्का हल्का स्क्वीज करते हुए इसको यूं अंदर डालती जाऊँगी। ये क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा था तो इसे मैंने किचन टॉवल से पकड़ा हुआ है, इसलिए आप भी इसे डालते वक्त एहतियात कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही बैटर ठंडे पानी के अंदर गया है, साथ ही में सेवियाँ बनना शुरू हो गई हैं। पानी मेक श्योर कीजिएगा कि बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, शदीद किस्म का ठंडा बर्फ़ वाला। और आप देख सकते हैं कि सेवियाँ बिल्कुल रेडी होना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी हम इसे 3 से 4 आवर्स के लिए आइस चिल्ड वाटर के अंदर ही हम इसे डाल के फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। ओके जी, 3 से 4 घंटे बाद जब मैंने इसे फ्रिज से निकाला है तो इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मज़ेदार सी, लंबी लंबी सी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी लग रही हैं ये।
तो स्टेप टू तो हमारा रेडी हो गया है, अब हम स्टेप थ्री की तरफ चलते हैं। और अब यहाँ पर मैंने थ्री फ्लेवर्स की रेडीमेड जेली ली है, जिसे मैं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही बना लूँगी। मैंने बनाना, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी फ्लेवर लिया है, आप कोई सा भी अपनी मर्जी का फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, जेली हमारी रेडी हो गई है, सो मूविंग ऑन। अब यहाँ पर मैं एक कप पानी के अंदर एक टेबलस्पून सब्जा सीड्स यानी तुक मलंगा भी जिसे हम कहते हैं, ये अंदर ऐड करेंगे और इसे सोक करके हम रख देंगे जब तक ये राइज नहीं हो जाता। ओके जी, आप देख सकते हैं कि तुक मलंगा भी हमारा रेडी हो गया है। ओके जी, अब हम फलूदे की असेंबलिंग करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक लॉन्ग हाइटेड ग्लास लिया है, इसके अंदर जो हमने सेवियाँ बनाई थी वो ऐड करेंगे। और उसके बाद एक और मेन इंग्रेडिएंट रू अफ़ज़ा, जो फलूदे को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर देता है, इसको खूब दिल खोल के हम अंदर डालेंगे। पहले हम एक प्रिटी से लुक देने के लिए इस ग्लास की साइडों पर इसे ऐसे लगा देंगे, और उसके बाद हम 2 टेबलस्पून अंदर भी डाल देते हैं। अब आप डाइट छोड़ के फलूदा खा ही रहे हैं तो इसे दिल खोल के डालें, क्योंकि यही फलूदे को रूह अफ़ज़ा बहुत ही मज़े का फ्लेवर देने वाला है। रूह अफ़ज़ा के बाद अब इसके अंदर हम तुक मलंगा डालेंगे, ये मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आपका जितना दिल करे आप उतना तुक मलंगा ऐड करें, ये मज़ेदार तो होता ही है लेकिन उसके साथ साथ इसकी हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ही ज़्यादा हैं। और अब इसके अंदर हम कलरफुल सी जेली बनाएंगे, अभी मैं इसके अंदर ब्लूबेरी फ्लेवर डालूँगी, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास फ्रूट कॉकटेल है जो मैं 2 टेबलस्पून अंदर ऐड करूँगी, आप चाहें तो इसकी जगह पर फ्रेश फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे चाहें जो चाहें दिल खोल के अंदर डालें। भाई फलूदा बनाना भी एक क्रिएटिविटी का ही नाम है, तो आप जितना मर्जी क्रिएटिव हो जाएं। और अब हम इसके अंदर वनीला आइसक्रीम ऐड करेंगे, अगेन आइसक्रीम आप किसी भी फ्लेवर की ले सकते हैं, एक स्कूप में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब इसके ऊपर से जो हमने दूध बनाया था फलूदे के लिए वो भी अब ऐड करेंगे। दूध डालने के बाद इसके अंदर अब हम ग्रीन कलर की जेली ऐड करते हैं। और साथ ही में हम इसके अंदर रेड कलर वाली भी जेली ऐड कर देंगे। ओहो, अभी से ही बहुत ही कलरफुल लग रहा है। और अगेन मैं इसके ऊपर से एक स्कूप और आइसक्रीम का डाल दूंगी, और ऊपर से होममेड सेवियाँ जो हमने बना के रखी हुई थी वो फिर से ऊपर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं कुछ मिक्स नट्स ऐड करूँगी, और आखिर में एक चेरी के पीस से इसको डेकोरेट कर दूँगी। और यूँ हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रॉयल फलूदा बिल्कुल रेडी है। ये रेसिपी गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी सी इतनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी कि आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कितनी मज़ेदार रेसिपी थी ये, और कितनी आसानी से बन जाती है। आप बस यूँ कीजिएगा कि सारी चीज़ों को रेडी करके फ्रिज फ्रीज़र में रख लें, और जब आपके गेस्ट आएँ तो इन्हें अच्छे से तरीके से संभल करके उन्हें सर्व कीजिएगा और उनसे दुआएं लीजिएगा।
चलती हूँ, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह सुबहानो ताला आपका और मेरा हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। मैं आपके साथ मज़ेदार सी कुल्फे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ओहो इतना तो बोला ही नहीं एक दफ़ा भी। कुल्फा नहीं मुझे आता बनाना, मैं कैसे कुल्फा बना लूँ? इसे प्यारे से तरीके से सर्व करें और दांत वसूल क्यों करें? दांत? What is meant by दांत? Okay, then let's start again.